मीठा खाना किसे पसंद नहीं आता। मुझे तो मीठा खाना बहुत ही पसंद है, और स्पेशली अगर ऐसी कोई मिठाई आपके सामने हो तो भला कौन उसे मना करे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी शिविकास किचन में। आज हम शिविकास किचन में सीखेंगे 15 मिनट में बनकर झटपट तैयार हो जाने वाली ये सुपर टेस्टी सूखे नारियल की बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में एक बूंद घी का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं सूखे नारियल की बर्फी बनाना, इससे पहले कि आपके मुंह में पानी आ जाए। सूखे नारियल की बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे एक सूखा नारियल। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद हम इसे क्रश करेंगे, इसे घिस लेंगे। हमें इसे मोटी वाली साइड से घिसना है, इसे बारीक वाली साइड से नहीं घिसना है, क्योंकि जब हम बर्फी बनाएंगे तो जब नारियल के पीस मुंह में आएंगे तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए हम इसे मोटी साइड से घिस लेंगे। ये देखिए, पूरे नारियल को मैंने अच्छे से घिस लिया है। ये देखिए, अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई में हम सारा जो नारियल घिस के तैयार किया था उसे डाल देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे स्पैटुला की हेल्प से लगातार चलाते हुए ही इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ये काला हो जाएगा और नीचे लग जाएगा। जब मटेरियल थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तब हम अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे खरबूजे के बीज ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लाइक करते तो छोड़ भी सकते हैं, पर इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बारीक कटे हुए काजू, आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता, किशमिश या मखाने, कुछ भी, बस उसे रोस्ट ज़रूर करना है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी रोकना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। इसे हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो नीचे बने लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चीनी। अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। 1/4 कप पानी। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लेंगे। एक सूखे नारियल के लिए 1 कप चीनी लग जाती है। हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। 1 तार की चाशनी तैयार करने के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं 1 तार की चाशनी बनी है कि नहीं। वाओ, परफेक्ट, एकदम बढ़िया 1 तार की चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें अपनी बर्फी का मटेरियल जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देते हैं। गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, उसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है। बर्फी का मटेरियल सारा इसमें निकाल देंगे। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है। त्यौहार का समय हो और घर पे एकदम से मेहमान आ जाएं तो ये मिठाई जो है एकदम बढ़िया झटपट बनके तैयार हो जाती है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये देखिए, इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक सारी चाशनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए और ये कढ़ाई की सतह को ना छोड़ दे। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना नीचे से जल जाएगा और बर्फी का मटेरियल ख़राब हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए, मटेरियल ने कढ़ाई की सतह को छोड़ दिया है, यानी हमारा मटेरियल जो है वो बिल्कुल बढ़िया बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए हम एक थाली लेंगे और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद हम अपने हाथों से उसे बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से फैला देंगे और बिल्कुल पूरी थाली को ग्रीस कर देंगे। थाली को ग्रीस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपनी बर्फी को सेट करेंगे तो वो आसानी से ठंडा होने के बाद बाहर निकल आए, वरना वो उससे चिपक जाएगी और बर्फी का शेप ख़राब हो जाएगा। अब जो हमने बर्फी का मटेरियल तैयार करके रखा था वो हम सारा इसमें निकाल देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। अब हम इसे दबाते हुए एक सा लेवल करेंगे, ऊपर से दबाते हुए इसे एक सा लेवल करेंगे, फिर हम किनारों से दबाएंगे। किनारों से दबाते हुए हम इसे चौरस शेप देंगे। मैं इसे यहाँ पे स्क्वायर शेप यानी चौरस शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं चौरस शेप इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बर्फ़ी बना रही हूँ और बर्फ़ी चौरस ही होती है। ये देखिए, इसे दबाते हुए हम बिल्कुल अच्छे से शेप देंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से मोटी पतली बर्फी कर सकते हैं।
करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी मोटी रख रही हूँ क्योंकि हम मोटी पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा और फैला कर थोड़ा और पतला कर सकते हैं। ये देखिए बर्फ़ी का मटेरियल जो है बिल्कुल बढ़िया सेट हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी बर्फ़ी का मटेरियल जो है वो हल्का ठंडा हो चुका है, तो चलिए उसके पीसेस काट लेते हैं। हम एक चाकू से सीधी लाइन बनाते हुए इसके पीस काटेंगे। एक सूखे नारियल में तकरीबन 16 पीस बनके तैयार हो जाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें थोड़ा हल्के ठंडे मटेरियल में बर्फ़ी काटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और आपकी बर्फ़ी के जो शेप है वो प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगी और वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी शेप कटेगी। ये देखिए कितना आसानी से मटेरियल छूट रहा है, यानी हमारी जो थाली है वो भी बढ़िया से ग्रीस हुई थी और हमारी बर्फ़ी का मटेरियल भी बिल्कुल अच्छे से बना है। देखिए कितने बढ़िया पीसेस बन गए हैं। आई होप आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल ऐसी ही बढ़िया बनेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी। इसे 5 मिनट और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि और कोई बर्फ़ी चिपकी हो तो वो भी निकल जाए। 5 मिनट बाद देखिए कितने बढ़िया बर्फ़ी के पीस निकल के बाहर आए हैं। देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और कितनी बढ़िया शेप आई है। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में भी ये उतने ही स्वादिष्ट बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।